नमस्कार साथियों, आप लोगों के बीच एक बार पुनः मैं परविंद कुमार वर्मा कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के द्वितीय पार्ट के रूप में आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग जो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के माध्यम से उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, चूँकि ये ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसे ही सिनेरियो है जिसको हमें समझने और उस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता होती है। प्रारंभ के वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस चालू होता है, रिहैबिलिटेशन होता क्या है, रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया क्या होती है और रिहैबिलिटेशन कैसे एक समाज के उन सभी व्यक्ति या लोगों के लिए सार्थक साबित होता है, उनका जीवन सामाजिक, देश और अन्य लोगों के लिए उपयोगी बनाता है। उच्च इसी पहलू को आगे बढ़ाने के लिए हम आज पुनः उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का एक समाज में, उसके संस्कृति में, उसके अर्थव्यवस्था में उसका क्या योगदान हो सकता है और वो योगदान किस प्रकार का हो सकता है। अगर इसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आप इस कंटेंट के माध्यम से आपके जो आउटकम होंगे वो आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे कि आपके पूरे कंटेंट के ओवर होने के बाद आपके लर्निंग आउटकम इस प्रकार के होंगे। इसी लर्निंग आउटकम के दूसरे चरण में हम आपके बीच ब्लॉक वन का यूनिट टू सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट आप CBR लेकर के उपस्थित हुए। एक बहुत ही उम्दा बात है, एक बहुत ही एक चिंताजनक, एक शोधपरक, एक चिंतन है कि हम कैसे CBR के माध्यम से किसी व्यक्ति के सामाजिक पहलू को हम व्यवस्थित करें या समाज में उसे किस प्रकार से उन्नति की ओर आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत एक अपने आप में एक सोचने पे मजबूर करता है कि जो समाज हमारे ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता है, उन्हीं लोगों को उस समाज में जोड़ना है जिसको कि सामाजिक रूप से स्वीकृति मिले, और ऐसा ही नहीं, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी अपने खुद की कैपेबिलिटी, उसकी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए तो हम ये देख पाते हैं कि कैसे इन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं और कैसे इन चीज़ों से हम ऊपर बढ़ें ताकि जो एक प्रकार का व्यक्ति है वो उस सामाजिक रूप से अपने आप को उन्नत महसूस करे। तो सोशल कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो एक सोसाइटी का जो एक फिनोमिना बना होता है कि जहाँ दो या दो से अधिक लोग निवास करते हैं, वो एक समुदाय बनता है, वो समुदायों का एक समूह जो एक समाज का निर्माण करता है। लेकिन समाज में सभी लोग अलग प्रकृति, अलग योग्यता, अलग रंग, अलग जाति, अलग धर्म के निवास करते हैं, उनके बीच में आप कैसे अपने आप को देखते हैं और कैसे एक सामाजिक रूप से जो स्वीकृति प्रदान नहीं है उस व्यक्ति को सामाजिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने में एक समाज के लोगों का, समाज की संस्कृति का, समाज की भूमिका का क्या योगदान हो सकता है, उस पर हम बातचीत कर रहे थे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हम जब बात करते हैं सोसाइटी की तो एक बड़ा एक प्रश्न बनता है कि कैसे उसके हम करेंट सिचुएशन पे बात करें, कैसे उसके करेंट सिनेरियो की बात करें कि जो सोसाइटी किस प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए, चाहे समाज के उन वंचित लोगों के लिए कैसे अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। हम सोसाइटी के रूप में जब दिव्यांगजनों को उनके योग्यता, उनकी क्षमता के आधार पर जब हम उनके पुनर्वास की बात करते हैं तो एक बड़ी चुनौती बनने लगती है। वो चुनौती किस प्रकार की हो सकती है कि जिस व्यक्ति को समाज ने उसकी कुछ अक्षमता के कारण स्वीकृति नहीं दी है, उसी अक्षमता को पूरा करते हुए उसको समाज में पुनः स्वीकृति दिलाने की जो एक मंशा है वही हमारे पुनर्वास की बात में हम जोड़ते हैं। लेकिन सामाजिक रूप से किसी व्यक्ति को कैसे पुनर्वासित किया जा सकता है उसके दो तीन पॉइंट्स पर अगर हम चर्चा करने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो स्टेट ऑफ वल्नरेबिलिटी है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके पावरलेसनेस की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके पावर्टी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, उसके आइसोलेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, उसे अदर एरिया ऑफ डिसएडवांटेज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये तीन चार जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, आप इन अगर चीज़ों पे फोकस करते हुए किसी भी व्यक्ति को अगर आप सामाजिक रूप से सुदृढ़ कर दिए तो शायद उसकी ये क्षमता उसको सामाजिक रूप से वो स्वीकृति प्रदान करेगी जिस स्वीकृति के लिए वो समाज में जद्दोजहद करता है। क्योंकि सामाजिक जो धारणा बनी हुई है वो पहले से बनी हुई है, उसको बदलना थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन इन लोगों को अगर थोड़ी सी हम मदद दे दें, चाहे उनके
जो पहलू से वो समाज से बाहर है उनको अगर थोड़ा सा हम जोड़ दें, उनको जोड़ करके थोड़ा सा हम उनको और आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो शायद वो सामाजिक रूप से अपने आप को उन्नत और अपने आप को सक्षम बना पाएंगे, और उनकी उन्नति ही, उनकी सक्षमता ही समाज में उनके एक दिशा दिखाएगी, और वही दिशा उनके योग्यता और क्षमता का उपयोग करने लायक बनाएगी। और जब हम बाद में देखते हैं कि नहीं, ये कैसे ये चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे, तो उनमें देख पाते हैं कि ये टारगेट पॉपुलेशन है, इस पर फोकस करना पड़ेगा, कैसे हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे उनके पावर ऑफ वेल्थ और एक्सेस यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों को जब हम जोड़ के देखते हैं कि आप एक स्टेप से चले और इस स्टेप पर हमें पहुंचना है, तो हर एक पहलू पर हमें फोकस करना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये ऊपर जाते जाते कैसे ये सामाजिक रूप से अपने आप को बराबरी की तरफ ले पाए। लेकिन बराबरी तक पहुंचा देना ही हमारी मंशा नहीं है, हमें बराबरी पर पहुंचा करके उसी पर बने रहना, हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति एक समाज में कैसे अवनति करता है और कैसे उन्नति करता है, दोनों को एक मानक बने हुए हैं। उनके सामाजिक रूप से अगर देखें तो उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है शायद उनके समाज में भूमिका निभाने में, अपने आप को सक्षम बनाने में मदद करता है। इन सारी चीज़ों को अगर हम देख करके थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि आखिर में ये होता क्या है, अपने आप में समझ में आता है कि कैसे एक जो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, कभी कभी वो कंफ्यूजन बेस्ड रिहेबिलिटेशन हो जाता है। क्यों होता है? मतलब एक बहुत एक गहन चिंतन करने की आवश्यकता है कि जब हम कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि उनमें कम्युनिटी का रोल हो, कम्युनिटी के आधार पर पुनर्वास हो, लेकिन जब हम पुनर्वास करने जाते हैं तो उसमें कम्युनिटी का कहीं रोल नहीं दिखता है। इसीलिए हम एक शब्द जोड़ना चाह रहे थे कि कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन बोलूँ कि कन्फ्यूजन बेस्ड रिहेबिलिटेशन। मतलब आदमी अपने आप में भ्रमित है। भ्रमित किस प्रकार से है कि जिस समाज सोसाइटी के लिए हम पुनर्वास का कार्यक्रम चला रहे हैं या पुनर्वास करने का प्रयास करते हैं, उस सोसाइटी, उस समाज के लोग का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है, और इन्वॉल्वमेंट दिखता भी है तो समझ में नहीं आता है कि उस कम्युनिटी का रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं या उस कम्युनिटी के लोगों का रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, या कम्युनिटी में जो समस्या है उस समस्या के निवारण के लिए हम रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। मतलब एक बड़ा सिनेरियो हमारे सामने उभर कर आता है कि हम कैसे इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं और कैसे इन चीज़ों में हमें फोकस करना पड़ेगा। तो आप जो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कम्युनिटी और यहाँ पर कन्फ्यूजन बेस्ड रिहेबिलिटेशन अपने आप में थोड़ा सा चिंतन करने के लिए हमें प्रेरित करता है कि कैसे हम इन चीज़ों को समझें कि भाई हम कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन किस प्रकार से हमें अपने आप को, हमारी अपनी क्षमता के अनुसार, हमें जीने योग्य, हमें समाज में स्वीकृति योग्य, हमें समाज में उस वैल्यू को समझने योग्य बनाता है जिस वैल्यू के लिए हम समाज में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। तो पुनर्वास की प्रक्रिया में एक बड़ा एक चिंतन और एक बड़ा एक मंथन का प्रश्न छोड़ जाता है कि कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है या कन्फ्यूजन बेस्ड रिहेबिलिटेशन। इन दोनों में जो एक जद्दोजहद, एक जो उलझन है, उस उलझन को भी हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक पुनर्वास की प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति को सामाजिक रूप से पुनर्वासित कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियाँ ऐसी रहती हैं जो समाज में विद्यमान रहती हैं, लेकिन विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देती हैं। कारण क्या है? हम क्या होते हैं कि हम एक धारणा को बना के बैठ जाते हैं कि नहीं, हमारी जो धारणा है, हमारी जो परंपरा है वो ये है, लेकिन उस धारणा, उस परंपरा में कोई दूसरा व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को समाहित कर रहा है, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति उसमें कैसे अपने आप को समाहित करना चाहता है, उस पर अगर हम फोकस करें तब हमें समझ में आता है कि हमें किस कम्युनिटी के बारे में और किस कम्युनिटी के लोगों के बारे में बातचीत करनी है, और उनको उस कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी के बाहर रहते हुए भी कैसे उस कम्युनिटी में जोड़ना है, इस पर हमें बहुत चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। जब हम इस पर चिंतन करते हैं तब समझ में आता है कि जिस कम्युनिटी के लिए हम काम करने के लिए आतुर हैं, चाहे जिस कम्युनिटी के लिए हम काम करना चाहते हैं, उस कम्युनिटी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट कितना है। जब उस पर हम फोकस करते हैं एक सिनेरियो बना करके, तो लगता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट तो शून्य है। तो उस शून्य पर हम थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि इसको कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन बोलें या कन्फ्यूजन बेस्ड रिहेबिलिटेशन। ये बड़े चिंतन का प्रश्न है। आप इस पर जितनी गहराई में चिंतन करेंगे आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। हम तो चलते हैं सोसाइटी में एक ऐसे लोगों को पुनर्वासित करने कि वो समाज से बाहर है, लेकिन जब हम पुनर्वास की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं तो शायद हमें अन्य पहलू पे और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, हम तो ये काम करने चले हैं, लेकिन इसके पहले मुझे ये काम करने की आवश्यकता है, और इस काम से भी पहले ये काम होना इम्पोर्टेंट है।
तो मतलब आप एक तरीके से लाइक ए ओनियन, आप जितने परत उसके खोलते जाएंगे वो एक नई परत आपको दिखती जाएगी। किस परत को हम स्वीकृति दें, किस परत पे हमारी स्वीकृति बने और किस परत पे समाज की स्वीकृति बनी है, उस पर अगर तालमेल बनाने का हम प्रयास करते हैं तो एक जद्दोजहद बना रहता है। लेकिन फिर भी हमें एक छोटा सा चिंतन, एक छोटा सा प्रश्न, एक छोटी सी एक जिज्ञासा के माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से पुनर्वास की जो प्रक्रिया वो सामाजिक रूप से समाज में रह रहे व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करने योग्य बनाना ही हमारी सामाजिक पुनर्वास की प्रक्रिया होती है। लेकिन जब इसके और दूसरे पहलू पर जब फोकस करने का प्रयास करते हैं कि भाई सामाजिक तो हो गया, अब इसके सांस्कृतिक अगर पहलू की हम बात करते हैं तो वो भी अपने आप में एक चुनौती लिए रहता है कि कैसे कोई व्यक्ति कल्चरल रूप से अपने आप को व्यवस्थित करता है या अपने आप को बनाने का प्रयास करता है। देखिए, जो सोसाइटी का जो कल्चर बना हुआ है उस कल्चर को आप निर्माण कर सकते हैं या बदल सकते हैं, दोनों प्रक्रिया है। या फिर उस कल्चर को आप बनाइए या फिर बदलिए। लेकिन ये बदलाव या निर्माण कोई एक रात का काम नहीं है, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है और बहुत लंबा प्रयास करना पड़ता है। उस लंबे प्रयास में जब हम कल्चरल रूप से किसी व्यक्ति को, किसी समाज में रह रहे लोग को अगर हम व्यवस्थित करना चाहते हैं, पुनर्वासित करना चाहते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि उसके कल्चरल पहलू में किस किस एस्पेक्ट पर हमें फोकस करना चाहिए और किस किस एस्पेक्ट पर हमें फोकस करते हुए काम करने की आवश्यकता है, ताकि वो सामाजिक रूप से तो उन्नत हो गया लेकिन सांस्कृतिक रूप से भी उसकी सहभागिता बनी रहे। तो उस पर दो तीन बिंदुओं पर अगर हम फोकस करने का प्रयास करें तो हमें ये समझ में आता है कि कैसे इन चीज़ों को हम उसके आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि जो हमारा सोसाइटल वैल्यू है ये हमारा किस प्रकार का है, सोसाइटी में जो हमारी मूल्य की धारणा है वो किस प्रकार की है, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा कि जो उनके मूल्य हैं उनमें सभी व्यक्ति की सहभागिता कितनी है और कोई व्यक्ति उसमें सहभागी नहीं बन पा रहा है तो उसमें समस्याएं कहाँ विद्यमान हैं, उस पर हमें सोचने की जरूरत है। उनके ट्रेडिशंस पे हमें फोकस करने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति के ट्रेडिशंस किस प्रकार के बने हुए हैं, किसी व्यक्ति को समाज में कितनी उपयोगिता से स्वीकृति मिलती है या किसी व्यक्ति को कितने समाज में समाहित और संयोजित करने का प्रयास किया जाता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न बनता है एक सोसाइटी में रहते हुए और सोसाइटी के लोगों के लिए कि कैसे सभी व्यक्ति को एक ही सोसाइटी में आसानी से और सहजतापूर्वक और सफलतापूर्वक अपने क्षमता के अनुसार रहने योग्य बनाया जाए। तो उसके ट्रेडिशन पर फोकस करना पड़ेगा, उसकी भाषा पर। हम जो कल्चर की बात करते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि केवल वो अपनी दिव्यांगता के कारण या सामाजिक अस्वीकृति के कारण बाहर है, कभी कभी उसकी भाषा भी उस सोसाइटी में जुड़ने में उसे बाधा उत्पन्न करती है। तो उसकी भाषा पे हम कैसे पकड़ मजबूत बनाएं या उसकी भाषा को हम कैसे परिवर्तित करें या फिर उसकी भाषा को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें ताकि सोसाइटी में उसकी पहचान उसी रूप में बने जिस प्रकार से वो अपनी पहचान को लेकर के उस सोसाइटी में जुड़ना चाहता है। तो मतलब अपने आप में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कल्चरल की जो चीजें होती हैं वो इतनी आसानी से नहीं बदलती हैं। उसके रिस्पॉन्सेस ऑफ क्राइसिस, मतलब अपने आप में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देने की जब प्रयास करते हैं सोसाइटी में एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाने का प्रयास करते हैं तो उसकी एक समस्या उलझन आती है कि नहीं ये इनकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अगर हम देने के लिए आतुर हैं तो वो क्यों नहीं देने के लिए आतुर हैं, ये दोनों में एक कन्फ्लिक्ट बना रहता है कि नहीं एक व्यक्ति तो इनको देना चाहता है एक व्यक्ति इनको नहीं देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी कल्चरल वैल्यू की बात होती है कि नहीं आप अगर कल्चरल रूप से सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो शायद आपको सोसाइटी में समय देना, सोसाइटी में अपने आप को समाहित करने में आसानी होगी, अदरवाइज एक चुनौती बनी रहती है। उन्हीं चुनौती के लिए ही हम पुनर्वास की प्रक्रिया करते हैं कि नहीं हम अगर उस चुनौती की पहचान प्रॉपर तरीके से कर लें तो शायद हमें यह समझ में आ जाता है कि नहीं यही समस्या है जो व्यक्ति को समाज से जुड़ने में कठिनाई महसूस कराता है या कुछ व्यक्ति समाज में नहीं जुड़ पाता है। जब उसके आगे हम बात करते हैं तो उसके रिलीजियस ओरिएंटेशन की बात करते हैं, समाज में जो धार्मिक रूप से जो धारणा बनी हुई है वो एक बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है।
पता नहीं समाज में जो धर्म की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवित किया गया है या फिर सहेजने का प्रयास किया जाता है कि धर्म में एक अच्छाइयों की जगह हम उसकी बुराइयों को लेकर के उलझे रहते हैं कि नहीं ये धर्म अच्छा है, ये धर्म बुरा है, इसके ये ट्रेडिशंस अच्छे हैं, उसके ये कल्चर अच्छे हैं। मतलब अगर हम कि अल्टीमेट गोल सभी धर्म का देखें तो उसका अल्टीमेट गोल होता है कि ईश्वर एक है और सभी लोगों में मानवता विद्यमान है और सभी मानव के लिए जिए। लेकिन इन चीज़ों से हट करके हम रंग रूप धर्म जाति इसमें खूब बातचीत करने लगते हैं और शायद यही कारण बनता है कि एक सीधा साधा व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक समाज में अपनी पूर्ण क्षमता के साथ योगदान देने वाले व्यक्ति समाज में रहते हुए समाज के किसी काम के लायक नहीं बसता है। शायद इस प्रकार के जो समस्याएँ हैं वो हमें जुड़ने नहीं देती है। अगला है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप में जो व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है, जो उसकी एक्टिविटी है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसके अंदर क्षमता विद्यमान है, उस क्षमता का भरपूर उपयोग करने नहीं देता है। कारण क्या है? आप किसी व्यक्ति को आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि नहीं इसमें ये क्षमता विद्यमान है तो इस क्षमता के लिए हम उपयोग करना चाहें। हो सकता है कि हम आप उसकी इस क्षमता को देख पाएं, उससे अलावा भी उसके अंदर बहुत सारी क्षमताएँ विद्यमान हैं, तो क्या हमें उसका उपयोग नहीं करना है? करना है। अब वो उपयोग हम कैसे करेंगे? तब हमें ये प्रश्न बनता है कि नहीं भाई, पहले तो इसको उस लायक तो बनाएं, उस श्रेणी में जोड़ तो दें, उस श्रेणी के लायक जब हम जोड़ कर आगे बढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि नहीं, इसको कल्चरल रूप से अगर हम इम्प्रूव करें तो शायद इन चीज़ों पर हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो जब हम आगे बात करते हैं तो उसके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेलिब्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ये मतलब अपने आप में जब हम एक सोसाइटी को पूरा एक होल में देखते हैं कि पूरा समाज एक है और समाज के लोग एक हैं, दोनों में देखिए पूरा समाज एक है और समाज के लोग एक हैं, तब हम एक संगठित समाज की बात करते हैं कि वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति समाज की उन्नति के लिए और समाज की उन्नति, देश की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। लेकिन वो तभी जब सभी लोगों में संगठन हो, सभी लोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान समाज के लिए प्राप्त होता हो और वो जो योगदान उनके सहायता की जो क्षमता है वो सब में बराबर नहीं होती है, लेकिन सबके छोटे छोटे प्रयास ही एक बड़े रूप धारण करता है। जैसे एक उदाहरण हम बात करते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो जो बूंद बूंद से जब घड़ा भरता है तो उस प्रत्येक बूंद का उतना ही योगदान है जितना योगदान पहले बूंद का था। तो इसी तरीके से सोसाइटी में जो प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का उतना ही योगदान है जितना एक बलशाली या शक्तिशाली व्यक्ति का योगदान है। तो हर की क्षमता को अनुसार उसको स्वीकृति प्रदान हो, उसकी स्वीकृति समाज में मिले, ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट धारणा बनी रहती है कि पुनर्वास के माध्यम से कैसे एक व्यक्ति को इन चीज़ों से जोड़ते हुए आगे हम बढ़ाएं। बाद में हम देखते हैं कि उसके रिवार्डिंग की, अचीवमेंट्स की, मैनेजमेंट्स की और तमाम इस तरीके के जो सोशल रिलेशंस की, मैरिज की, इनहेरिटेंस की, सक्सेशन की, मतलब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इन सारे पॉइंट्स पर अगर कल्चरली हम एक बॉन्डिंग बना पाएं, एक बॉन्ड के रूप में हम अपने आप को मजबूत कर पाएं, तब हमें लगता है कि हाँ, हम कल्चरली रूप से अब इम्प्रूव हो चुके हैं, अब हमें सोसाइटी में, अब हमें सोसाइटी के लोगों में, अब सोसाइटी के द्वारा हमें जो कार्य करने का अवसर मिला है हम अपना योगदान भरपूर देंगे। लेकिन आप सोशली रूप से इम्प्रूव हो गए, आप कल्चरली रूप से इम्प्रूव हो गए, लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से उन्नत नहीं हैं तो शायद आपकी ये सारी सक्षमता एक अक्षमता में परिवर्तित हो जाएगी केवल एक पहलू के कारण, वो पहलू है आपका आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू कैसे किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है और कैसे किसी व्यक्ति को उसके काम को आगे बढ़ाने में रोकता है, अगर हम इसको देखने का प्रयास करें तो उसमें WHO, यूनेस्को और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2004 में ही एक अच्छा शोध करके, एक शोध करने के बाद हमें ये बताया कि डिसेबिलिटी और पावर्टी का एक बहुत बड़ा बॉन्डिंग है। अगर हमारे समाज में पावर्टी है तो डिसेबिलिटी भी विद्यमान रहेगी और डिसेबिलिटी ही आगे जाकर के पावर्टी में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो आपका डिसेबिलिटी है और एक पावर्टी है, ये कैसे एक दोनों से बॉन्डिंग है इनकी।
अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो पावर्टी में हो जाएगी कन्वर्ट, और पावर्टी है तो निश्चित रूप से आपको डिसेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आती रहती है। तो इस पर हमें फोकस करके आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती है कि नहीं, हम कैसे एक सोसाइटी में रहते हुए, एक सोसाइटी के लोगों के बीच रहते हुए अपने इस जो दिव्यांगता है उसको दूर करने का प्रयास करें। और दिव्यांगता दूर तभी हो सकती है जब समाज से गरीबी दूर हो। क्या गरीबी केवल कह देने से दूर हो जाएगी? एक बड़ा प्रश्न है। बहुत अच्छा लगता है बोलने में कि नहीं हम ये काम कर लेंगे तो दूर हो जाएंगे, ये काम कर लेंगे तो दूर हो जाएंगे, इसकी में ये योग्यता है तो ये अगर इस तरीके से कार्य करें तो उसकी ये जो आर्थिक विपन्नता है वो दूर हो जाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जब हम ऐसे व्यक्ति के फोकस करते हैं कि नहीं इस व्यक्ति को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाएं, तब हमें बात आती कि उसके स्किल की, कि भाई उसके में ये स्किल दिया जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है लेकिन उसकी योग्यताएं, उसकी इच्छाएं सभी कुछ एक सामान्य व्यक्ति के बराबर है, वो भी उस अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है जैसे एक सामान्य व्यक्ति पूर्ति करना चाहता है, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति बिना अर्थ के कैसे संभव है? अगर उस अर्थ की हम बात करें तो उसमें फिर ये बात आती है कि अगर आप प्रारंभ में ही गरीबी रेखा में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, तो आपकी कोई ना कुछ कमी आपकी दिव्यांगता को प्रदर्शित करेगी, और वही दिव्यांगता जब बनी रहती है तो आगे जाकर के फिर वो दिव्यांगता आपकी गरीबी को बनाए रखती है, और एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। इस चक्र को तोड़ने में सबसे बड़ा काम जो करता है वो पुनर्वास। अगर ये चक्र चल रहा है और उसमें पुनर्वास की श्रेणी में डाल दिया जाए तो शायद उसकी गरीबी दूर होगी, और गरीबी जब दूर होगी तो आने वाले समय में उसकी दिव्यांगता भी दूर हो सकती है। इस प्रकार की धारणा एक कल सोसाइटी में अगर हम विद्यमान कर दें तो हमें समझ में आता है कि नहीं, हम अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो शायद उसमें हम बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस पर हेलेंडर ने बहुत ही अच्छे संगठित तरीके से, सशक्तिकरण तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया कि कैसे कोई एक व्यक्ति सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से कैसे उन्नति करते हुए कैसे उन्नत हो और अपने समाज में, अपने आसपास के परिवेश में अपनी योग्यता और क्षमता का उसी तरीके से विकास करे जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता का विकास करता है। तो उसमें हेलेंडर ने बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे उन चीज़ों को बताने का प्रयास किया है कि नहीं ये चीज़ें हैं तो कैसे हम उनको समझें और कैसे उनको समझाने का प्रयास करें। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है उनकी ड्यूटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। हमें ये चीज़ दिखाना पड़ेगा सोसाइटी में कि अगर आप आर्थिक रूप से उन्नत होना चाहते हैं तो आपको अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व की ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। हम जब बात करते हैं तो केवल और केवल हम अपने अधिकार की बात करते हैं कि नहीं हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, लेकिन उसके एवज में मैं करूँगा क्या, ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है कि नहीं आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। ये मतलब अपने आप में एक मानवीय संवेदना का प्रश्न है, जो सेंसिटाइजेशन का प्रश्न है कि आप जब सेंसिटाइजेशन के माध्यम से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, एक ह्यूमन वैल्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तो शायद इन चीज़ों में आपकी गहरी रुचि बढ़ेगी कि नहीं हम पुनर्वास तो करना चाहते हैं लेकिन पुनर्वास क्यों, पुनर्वास करने की आवश्यकता क्यों, पुनर्वास अगर मैं कर रहा हूं तो उसकी जो श्रेणी है वो कहां तक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा और इस पर भी फोकस करना पड़ेगा कि नहीं अगर ये चीजें हैं तो किस प्रकार से हैं, और नहीं है तो किस प्रकार से हमें ऐसी मदद करनी है कि वो इस प्रकार से ही समाज में जुड़ पाए। मतलब अपने आप में ये सारा एक गुत्थी की तरह उलझा हुआ है कि जब आप हम इसको एक एक, जैसे ये पॉइंट्स है पूरा आपका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू, जब हम इसको खोलते हैं तो आपको कई पॉइंट्स दिखेंगे, ये पॉइंट्स अलग, ये पॉइंट्स अलग, ये पॉइंट्स अलग, ये पॉइंट्स अलग और ये पॉइंट्स अलग, सारे को जब हम जोड़ करके देखने, संगठित करने का प्रयास करते हैं तब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति हो गई है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी पहलू छूट जाता है तो कहीं ना कहीं वो यही जो एक लैक, यही जो कमी है वो व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करती है कि नहीं अगर आप में ये क्षमता विद्यमान होती तो शायद आप इस काम को करने में और सक्षम हो पाते। तो शायद इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो हमें उसके रिसोर्सेस, उसके अपॉर्चुनिटी, उसके नॉलेज, उसके स्किल, उसके कैपेसिटी, बहुत सारी चीज़ों पे पॉइंट्स वाइज हेलेंडर ने फोकस करते हुए बताने का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति को सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जोड़ते हुए उसकी आर्थिक उन्नति कैसे करें। तो उसमें ये सारे पॉइंट्स हमें बहुत मदद
देते हैं कि नहीं, एक व्यक्ति को कैसे हम इन चीज़ों से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ा करके उनको कैसे हम मजबूती की ओर ले जाएंगे। लेकिन सब कुछ करने के बाद वो कौन सी कमी रह जाती है, वो कौन सी समस्या रह जाती है कि सारा काम करने के बाद भी हम उसी उलझन में उलझे रहते हैं कि आज भी हम जहाँ हैं वहीं बने हुए हैं। तो अपने आप में एक चुनौती बन जाता है कि भाई इसको हम कैसे करें। तो जब हम आगे देखने का प्रयास करते हैं तो कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें कि आखिर में वो कौन से पहलू हैं जो हमें मेन स्ट्रीम में जोड़ने में प्रभावित करते हैं। तो अगर मैं उस पर फोकस करने का प्रयास करूं तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि लैक ऑफ असिस्टिव डिवाइस एंड सच व्हील चेयर्स एंड क्रचल्स। अगर दिव्यांग व्यक्ति की मैं बात करूं तो उसके पास उसके ऐसा वातावरण, ऐसी डिवाइसेज, ऐसे व्हील चेयर और उसके क्लचेज नहीं प्राप्त होते हैं जैसे कि वो अपने सोसाइटी में खुद जाकर जुड़ पाए। तो हमें इस पर भी असिस्टिव डिवाइस के माध्यम से अपनी समझ को बढ़ानी पड़ेगी। ये तो केवल एक पॉइंट्स में मैं बात किया हूँ कि नहीं उसको व्हील चेयर और क्लचेज दे दिया जाए। उसमें तो अभी हमारे RPWD एक्ट में 21 प्रकार की डिसेबिलिटी का समावेशन किया गया है, लेकिन उस 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को कैसे हम समाज में समाहित करें वो शायद अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन केवल चुनौती की ओर फोकस हमें नहीं करना है, हमें उन चीज़ों पे अपने थोड़े ही थोड़े क्रमशः ही सफलता प्राप्त करनी है कि कोई एक भी व्यक्ति अगर सोसाइटी में उस तरीके की अपनी क्षमता का उपयोग करके दिखा दे तो शायद अन्य लोगों के लिए वो प्रेरणा का काम करेगा। तो उसी प्रेरणा के लिए ही हमें इनको पुनर्वासित करने की आवश्यकता पड़ती है और कि कैसे एक व्यक्ति उस समाज में जुड़े और कैसे वो व्यक्ति उस समाज में अपनी क्षमता का उपयोग करे। तो हम जब आगे देखने का प्रयास करते हैं तो एक्सेसिबल रोड्स एंड बिल्डिंग्स, हम सोसाइटी में सब कुछ कर दिए, पुनर्वासित कर दिए, लेकिन सोसाइटी में उसके लिए बिल्डिंग्स, उसके लिए जो रोड्स हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना डिसेबल्ड फ्रेंडली है। एक डिसेबल्ड व्यक्ति, एक दिव्यांग व्यक्ति कैसे अपने आप को उस सोसाइटी में बिना किसी बाधा के अपने आप को समाहित कर पा रहा है, इस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है कि नहीं अगर ये चीज़ों में हम अपने आप को सक्षम बना लें तो शायद मुझे लगता है कि हम पुनर्वास की प्रक्रिया में और बेहतर काम कर पाएंगे। उसके और आगे जब बढ़ करके हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है एक उदाहरण के रूप में, तो उसको ब्रेल की कितनी जानकारी है, चाहे ब्रेल के जानकारी के लिए कौन से इक्विपमेंट उसको उपलब्ध हम करा पा रहे हैं, उस इक्विपमेंट की उसकी उपयोगिता कितना हम दर्शा पा रहे हैं, या उस इक्विपमेंट के माध्यम से उसको पढ़ने लिखने की जो समस्याएं हैं वो कितना दूर हो सकता है। छोटी छोटी पॉइंट्स पर अगर हम अपना ध्यान आकर्षित करें तो शायद हमें ये समझ में आता है कि नहीं इन लोगों के लिए हम कैसे बेहतर साबित हो सकते हैं, इन लोगों के कैसे हम वरदान साबित हो सकते हैं। इस पर हमें फोकस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं हम चाहते तो हैं कि इनका पुनर्वास उसी प्रकार से हो जैसे एक सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन ये पुनर्वास की प्रक्रिया वैसी ना हो जैसा वो चाहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है, हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, उसका पूरा सम्मान करते हुए उसका समायोजन हो तब तो हम कहते हैं कि ये पुनर्वास बेहतर है। अदरवाइज कभी कभी होता है कि हम पुनर्वास करने की प्रक्रिया में समाहित तो होते हैं लेकिन वो पुनर्वास इस प्रकार की अपनी धारणा बना देता है कि पुनः कोई व्यक्ति उसमें जुड़ने से पहले अपने आप वो देखने लगता है कि क्या मुझे समाज में वो स्वीकृति मिलेगी जिस स्वीकृति के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता की कमी, कहीं ना कहीं हमारे धारणाओं की मजबूती या परंपरा की जो धारणा बनी हुई है उस पर हम कभी ना कभी उलझे हुए महसूस होते हैं या उस पर हम कुछ काम करने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं हम अब कुछ बेहतर कर पाएंगे या हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जब हम आगे बढ़ के देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट का है तो वो कैसे सोसाइटी में जुड़ेगा, उसके पास जो हियरिंग एड्स है, उसके हियरिंग एड्स के माध्यम से जो उसका उपयोग है, उसके रखरखाव है, सोसाइटी का उसके बारे में जितना उपयोगिता है वो कितना अपने आप को समाहित कर पाता है और कितना अपने आप में उसका उपयोग करते हुए अपनी अक्षमता को दूर करते हुए लोगों से जुड़ पाता है, ये एक बड़ा प्रश्न बनता है कि कैसे हम इन चीज़ों को बेहतर कर पाएँ और कैसे इन चीज़ों को बेहतर करने में अपना योगदान दें। बड़ी चुनौती होती है कि एक दिव्यांग व्यक्ति के पूरी जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक सामान्य व्यक्ति उसी तरीके से स्वीकार करे जैसे उस व्यक्ति को स्वीकार कर रहा है। क्या हमारा समाज उनके लिए इतनी धारणा और इतना स्पेस बना के चल रहा है, इस पर हमें बहुत मंथन करने की ज़रूरत है। कभी कभी होता क्या है कि हम सामान्य मार्केट वगैरह में जब अपना कोई आवश्यकता की वस्तु खरीदने और ज़रूरत की पूर्ति करने जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत भीड़ भाड़ जगह है, उसमें एक दिव्यांग व्यक्ति को हम कितना जगह दे रहे हैं।
होता क्या है कि एक समान व्यक्ति पूरी बहुसंख्यक रूप में अपने आप को पूरी तरीके से घेरे पड़े हैं, लेकिन उसमें अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति दिख जाए तो उसका कितना सम्मान हो रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह छोड़ देता है कि क्या हम सब कुछ करने के बाद अभी भी हम उसी समस्या में उलझे हैं? कारण क्या है? क्या मानवता के स्तर पर हमें सोचने की जरूरत है, या सामाजिक पहलू पर सोचने की जरूरत है, या सांस्कृतिक पहलू पर सोचने की जरूरत है, या उसके आर्थिक उन्नति की ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे समाज की धारणा बनी हुई है कि समाज में किस प्रकार के लोगों को कितनी स्वीकृति हमें देनी है और किस तरह सम्मान देना है, इस पर हमें फोकस करके आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती है कि कैसे हम इस सोसाइटी में अपने आप को बेहतर कर पाएँ। और जब हम बात करते हैं उसकी कंपल्सरी ओरल टीचिंग और डीफ चिल्ड्रेन की, आसान होता है कि बहुत भाई हम इस कार्य में सक्षम नहीं हैं तो चलो इस कार्य के माध्यम से इनको सक्षम बनाने का प्रयास करें, लेकिन जो आप माध्यम अपना रहे हैं क्या उस माध्यम के लिए सामने वाला बच्चा, सामने वाला जो व्यक्ति है उसको स्वीकार करने के लिए तत्पर है या जिज्ञासु है, या उसकी आवश्यकताएँ हैं उस माध्यम से पूर्ति हो रही हैं? तो इस पर बहुत एक चिंतन करने का तो इस पर बहुत चिंतन होने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे इन चीज़ों को हम और बेहतर करने का प्रयास करें। जब हम बात करते हैं उसके पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज़ की, हम सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से उन्नत की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप शिक्षित हो जाइए आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन हम शिक्षित होंगे कैसे? जब हम शिक्षा की बात करते हैं आज का जो सिनेरियो है बहुत बदलाव लिए हुए है। हमारा एनईपी 2020 आ चुका है, एनईपी 2020 वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है और उस पर जाकर के हमें ये सोचने का प्रयास करना है कि कैसे एक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के आधार पर उसको सोसाइटी में उतना जगह दिया जाए। तो हमें सबसे पहले अपने जो पुअर एजुकेशन सिस्टम है उस पर प्रहार करने की ज़रूरत है, जिस पे कि क्रम जारी है और आज के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो 34 सालों के बाद एक नई शिक्षा नीति आ चुकी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सोसाइटी में किस प्रकार का सिनेरियो बन रहा है। जो हम शिक्षा के माध्यम से एक सर्वांगीण विकास की बात करते हैं कि एक व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से उसके अधिगम में, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके अधिगम में, उसके व्यवहार में परिवर्तन अन्य लोगों के लिए कितना प्रभावी होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ जाता है हमारी शिक्षा व्यवस्था कि क्या केवल शिक्षित होना ही आपके सेंसिटाइजेशन का प्रमाण है, या आपका सेंसिटाइजेशन ही शिक्षा को ढकलेगा? ये मतलब अपने आप में एक डुअल नेचर का कंसेप्ट है कि क्या एक शिक्षित व्यक्ति सेंसिटाइज होगा या सेंसिटाइज व्यक्ति शिक्षित होगा, इस पर बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि जिस मंशा और धारणा से हम शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं शायद वो प्राप्त नहीं हो पाता है। बहुत सारे समाज में उदाहरण विद्यमान है, उन उदाहरणों की तरफ आप फोकस करेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि नहीं, सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। और सेंसिटाइजेशन समाज में कितना है, समाज के लोगों में कितना है, सामाजिक धारणा में कितनी है, सामाजिक पहलू में कितना है, सामाजिक मूल्य में कितना है, सांस्कृतिक धारणाओं में कितना है, इस पर हमें अगर फोकस करके देखें तो शायद हमें समझ में आता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी ही चुनौती है। उन चुनौतियों से हम जब तक उभरेंगे नहीं, जब तक ऊपर उठेंगे नहीं, तब तक शायद हम इन चीज़ों में अपने आप को समाहित नहीं कर पाएंगे। जब हम आगे बढ़ के देखते हैं तो उसमें देखता है कि समाज में जो दिव्यांगता या समाज के वैसे लोगों के प्रति समाज का नजरिया कैसा है, वो भी एक बहुत धारणा बनाता है कि नहीं, हम एक व्यक्ति को स्वीकृति किस स्तर पे दे रहे हैं, क्या मजबूरी में दे रहे हैं या मजबूती से दे रहे हैं, इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है कि एक जो दिव्यांग व्यक्ति या किसी प्रकार से समाज से बहिष्कृत व्यक्ति अगर समाज में पुनः अपने आप को स्थापित करना चाहता है तो हमारा उसके प्रति रवैया कैसा है, उस रवैये पर को हमें ऊपर उठाने की जरूरत है, उस रवैये पर सोचने की जरूरत है कि नहीं, अगर ये चीज़ें बेहतर होती तो शायद पुनर्वास की प्रक्रिया आज के परिदृश्य में हम बहुत आगे चले गए होते, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे हम आगे नहीं गए हैं, हम आगे गए हैं, लेकिन उसका एक जो विकृत रूप हम पहले देखते थे अब उसका स्वीकृत रूप हमें देखने को मिल रहा है। ये पुनर्वास के माध्यम है, पुनर्वास का ही प्रयास है कि जो पहले विकृति की ओर हम ध्यान देते थे आज हम उसके स्वीकृति की ओर ध्यान दे रहे हैं।
तो निश्चित रूप से हमें ये लगता है कि हम अब कुछ न कुछ इस दिशा में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर हम कर रहे हैं। इस पर हमारे जो सरकारें हैं उस पर भी बहुत सेंसिटाइज होकर के काम कर रही हैं और उनका जो गुड गवर्नेंस है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ न कुछ कमी रह जा रही है इन लोगों के विकास में, इन लोगों के बेहतरी में। कि कैसे सरकार और प्रयास करे, केवल सरकार का काम नहीं है कि उनके लिए नीतियाँ बना दे और उनको नीतियों का क्रियान्वयन कर दे। जब वो नीतियाँ सोसाइटी में इन लोगों के लिए आती हैं तो सोसाइटी उसको कितना स्वीकृति प्रदान करता है, या सोसाइटी में उसकी जागरूकता कितनी है, या सोसाइटी में उसकी जागरूकता के लिए लोगों का सहयोग कितना है, ये भी हमारे पुनर्वास की प्रक्रिया को बढ़ाने में और उसके सुदृढ़ करने में मददगार साबित होता है। तो कुछ इस प्रकार के जो पहलू हैं हमें ये सोचने और समझने पर जरूर निश्चित रूप से मजबूर कर देते हैं कि एक व्यक्ति का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से उन्नति कैसे हो और उसकी उन्नति को कैसे हम स्थायित्व प्रदान करें। तो शायद इस प्रकार की जो धारणा है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, हमें ये सोचने और समझने के लिए मजबूर करता है। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम आपके बीच पुनर्वास के सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट पर बात करने के लिए उपस्थित हुए थे। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस लेक्चर का एंजॉय किए होंगे, लेकिन कुछ बातें मैं आपको प्रश्न के रूप में छोड़ा हूँ अपने लेक्चर के दौरान। तो उस लेक्चर के दौरान जो प्रश्न आपके जहन में बनेंगे, निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स में या साइट पर जाकर के नंबर के माध्यम से ऑनलाइन भी उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि अपनी जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।